हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। सऊदी अरब में कई सारे कानून बनते रहते हैं और ये भी कानून बहुत पुराना है, लेकिन इस कानून पे अमल कम होता है। अब इस पे सख्ती किया गया है कि यह कानून भी सख्ती से लागू किया जाए, क्योंकि लोग बाहर से आते हैं, काम करते हैं, ठीक है, सैलरी मिलता है। सैलरी के बाद जब आप कंपनी छोड़ते हैं तो सर्विस और बेनिफिट मिलना चाहिए। इस पे सख्ती से कार्रवाई हो रही है। सर्विस ऑफ बेनिफिट मतलब आप समझ ही रहे हैं, जब आप 10 साल 15 साल बाद आप कंपनी को गुड बाय कहिएगा, कफील को गुड बाय कहिएगा, तो आपको आखिर में जो भी मोटा मोटी रकम मिलेगा, जो आपके हो सकता है आने वाले जो वक्त है वो उसमें गुजार सके। और होता ही यही है, चूंकि पेंशन है तो पेंशन इसीलिए दिया जाता है ताकि आने वाले जो वक्त है इनका वो बुरे दौर में ना जाए, वो जैसा है तैसे चलता रहे, ठीक है। हम इसी पे बात करेंगे दोस्तों कि बेनिफिट ऑफ सर्विस क्या है, एंड ऑफ सर्विस क्या होता है, इस पे हम पूरा डिटेल आपको बता देंगे और कैसे आपको मिलेगा, किस तरह मिलेगा, ये सारा जानकारी आपको इसी वीडियो मिल जाएगा। दोस्तों बने रहिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सऊदी अरब में सेवा समाप्ति यानी एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट का गणना एक निश्चित अवधि के बाद नौकरी छोड़ने पर या सेवा समाप्ति पर कंपनियां अपने कर्मचारी को एक मुश्त राशि यानी लमसम अमाउंट देती है, जिसे सर्विस अवार्ड भी कहा जाता है। सऊदी अरब में ज्यादातर प्राइवेट क्षेत्र की कंपनियां अपने कर्मचारियों को ये सेवा प्रदान करती है, जबकि सरकारी नौकरियों में कार्यरत कर्मचारियों को आमतौर पर पेंशन मिलता है। लेकिन हाँ, एक चीज याद रहे, सरकारी क्षेत्र की कंपनियों में कार्यरत कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को भी सेवा समाप्ति के अंत में सर्विस अवार्ड यानी एंड ऑफ सर्विस ही दिया जाता है। अब आइए मैं आपको पूरा डिटेल समझा दूं कि किस वर्कर को एंड ऑफ सर्विस मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। सऊदी श्रम मंत्रालय के अनुसार यदि कोई कर्मचारी न्यूनतम 2 साल का अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करता है तो वो कर्मचारी सर्विस अवार्ड का हकदार हो जाता है। इससे पहले कि हम आपको पूरा हिसाब किताब समझाए, उससे पहले कुछ बातें बता दूं जो जरूरी है, वो जान लीजिए जो जरूरी बातें हैं। जैसे कि कौन कौन वर्कर इसके हकदार होते हैं। देखिए, कंपनी या संस्था में काम करने वाले सभी कर्मचारी सर्विस अवार्ड के हकदार होते हैं। हालांकि कुछ स्थितियों में कर्मचारी सर्विस अवार्ड प्राप्त नहीं कर सकता है, जैसे कि अस्थायी वर्क वीजा पर काम करने वाले कर्मचारी यानी 1 साल के वैधता वाला विशेष कार्य वीजा, वो वर्क वीजा जिसे रिन्यूअल नहीं कराया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। वो कर्मचारी जो विशेष वीजा जैसे कि बिजनेस वीजा, राजनयिक वीजा पर कार्य कर रहे हैं यानी काम कर रहे हैं, कर्मचारी जो एडवाइजर कॉन्ट्रैक्ट पर एक सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे हैं, कंपनी के ट्रांसफर के बिना किसी कंपनी में काम करना जैसे कुछ समय के लिए कंपनी या कफील और कर्मचारी के बीच का एग्रीमेंट है। श्रम मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ऑनलाइन सेवा एंड ऑफ सर्विस अवार्ड कैलकुलेटर प्रदान करता है। इसका उपयोग करके आप आसानी से अपने सर्विस अवार्ड का गणना कर सकते हैं। हालांकि इसमें रोजगार के कई विकल्प दिए गए हैं, हम आइए बता दें आपको कि क्या और उनका उपयोग कैसे करना है वो भी जान लीजिएगा। पहला विकल्प कॉन्ट्रैक्ट टाइप होता है। आपके पास 2 विकल्प उपलब्ध है, फिक्स्ड टर्म और लॉन्ग टर्म। सऊदी अरब के अधिकांश कंपनियां अनलिमिटेड टर्म का कॉन्ट्रैक्ट देती है। एग्रीमेंट पर साइन करते समय कंपनियों के एचआर से उस बारे में आप पूछताछ कर सकते हैं। वैसे सऊदी में अधिकांश कॉन्ट्रैक्ट अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट ही होते हैं। सेवा और अंत एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट के कारणों को जानना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके कारण एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कॉन्ट्रैक्ट की समाप्ति या दोनों पार्टियों का एग्रीमेंट समाप्त करने पर सहमति या कंपनी छोड़ने का सबसे आम कारण है। कर्मचारियों को आपसी सहमति से कंपनी छोड़ देनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने पर नौकरी छोड़ रहा है। एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट कर्मचारी को शुरू के 5 साल प्रत्येक वर्ष आधा वेतन और फिर अगले प्रत्येक वर्ष पूरा वेतन देने का प्रावधान है। कंपनी या कफील द्वारा कॉन्ट्रैक्ट की समाप्ति कैसे होती है ये भी जान लीजिए। कभी कभी कंपनियां कर्मचारियों की संख्या कम करने का फैसला करती है। इस स्थिति में कर्मचारियों के
कॉन्ट्रैक्ट समाप्त कर फाइनल एग्जिट भेजा जाता है। यह सर्विस बेनिफिट पाने का दूसरा सबसे आम कारण है, लेकिन ऐसा तब होता है जब कंपनियों के पास पर्याप्त काम नहीं होता है या सऊदीकरण के कारण प्रवासी कामगार के जगह सऊदी कर्मचारी रखने की बाध्यता होती है। सऊदी अरब के संविधान के अनुच्छेद 80 में बताए गए नियमों और शर्तों के अनुसार किसी एक नियम के मुताबिक कंपनी या कफिल द्वारा कॉन्ट्रैक्ट की समाप्ति कर सकता है। अनुच्छेद 80 के अनुसार कंपनी या कफिल कर्मचारी को किसी मामले में दोषी, बेईमानी और आपराधिक गतिविधि में लिप्त पाए जाने पर कॉन्ट्रैक्ट समाप्त कर सकती है। यदि किसी कर्मचारी का अनुच्छेद 80 के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होता है तो वो कर्मचारी किसी भी हाल में सर्विस बेनिफिट का हकदार नहीं होता है। कुछ ऐसे कर्मचारी है जिनको सर्विस अवार्ड के लिए हकदार नहीं माना जाता है, इसलिए उन्हें नौकरी छोड़ने पर भी कोई राशि या कोई बेनिफिट नहीं मिलती है। फोर्स मेजर के परिणाम रूप में नौकरी का जाना ये भी एक ये है कारण है कि इस कारण से भी जा सकता है। फोर्स मेजर का अर्थ क्या है दोस्तों? अचानक अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण जैसे आर्थिक मंदी, युद्ध यदि के वजह कंपनी गवर्नमेंट द्वारा कॉन्ट्रैक्ट समाप्त कर दिया जाता है, जैसे 2015 में सऊदी अरब में मंदी आ गई थी तब किया गया था बहुत सारे लोगों को। महिला श्रमिक अपना कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने पहले समाप्त कर सकती है यदि उसका विवाह एग्रीमेंट हो गया हो या बच्चे के जन्म से 3 महीने से पहले। एक विकल्प महिला कर्मचारियों के लिए है, सिर्फ यदि हम महिला अपने शादी से 6 महीने पहले नौकरी छोड़ने का फैसला करती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट समाप्त कर सकती है। इसी तरह यदि महिला गर्भवती है तो बच्चे जन्म के वक्त उसके पास कॉन्ट्रैक्ट समाप्त करने का विकल्प होता है। सऊदी अरब के संविधान अनुच्छेद 81 में वर्णित शर्तों के अनुसार यदि कर्मचारी त्यागपत्र यानी रिजिग्नेशन दिए बिना काम छोड़ देता है तो बिना किसी नोटिस या इस्तीफे के काम छोड़ना किसी भी एक अच्छा विकल्प नहीं होगा। वास्तव में ये सर्विस अवार्ड के सभी भत्तों और लाभों से कर्मचारी को वंचित कर देगा। इस परिस्थिति में कर्मचारी को कुछ नहीं मिलता है, भले ही क्यों न वो 30 साल तक कंपनी या किसी संस्था में सेवा दिया हो, उसे कोई भुगतान नहीं मिलेगा। कर्मचारी यदि अनुच्छेद 81 में वर्णित शर्तों के अनुसार काम छोड़ देता है तो अनुच्छेद 81 में कर्मचारी के मूल अधिकारों के विस्तृत व्याख्या की गई है। ये कर्मचारी को गुंडागर्दी, अपमान और दुर्व्यवहार से बचाता है। अनुच्छेद 81 के तहत कर्मचारी अपना कॉन्ट्रैक्ट किसी भी समय समाप्त कर सकता है। अगर कर्मचारी इस्तीफा दे तो क्या एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट मिलेगा, ये एक सवाल है। इस्तीफा देना आम बात है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में ही इस विकल्प का उपयोग करना बेहतर है, क्योंकि सर्विस अवार्ड का एक बड़ा हिस्सा इस्तीफा देने पर कटौती हो जाती है। लेकिन हाँ, 10 साल से अधिक सेवा पर लाभ में कोई कटौती नहीं की जाती है। कर्मचारी को अपना टिकट खुद लेना पड़ता है इस स्थिति में। एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट इस स्थिति में कर्मचारी को प्रत्येक वर्ष 5 वर्ष का 1/3 वेतन मिलेगा, फिर 9वें वर्ष तक प्रत्येक वर्ष के लिए 2/3 और 10 साल पूरा होने या उससे अधिक सेवा देने वाले कर्मचारियों को सर्विस अवार्ड की पूरी राशि का भुगतान किया जाता है। ये कुछ डिटेल था दोस्तों कि किस तरह से आपको एंड ऑफ सर्विस मिलेगा और कैसे आप ले सकते हैं, कैसे आपको नहीं मिलेगा। ये कुछ डिटेल था तो मैंने आप लोगों ने शेयर किया है। अब उम्मीद करते हैं आप लोग चैनल सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।